Sorry. हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप? मुझे पता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, अच्छे हो। तो अभी देखिए, मॉर्निंग का समय है, अभी 7:30 हो रहा है और छवि को मैं स्कूल लेके जा रही हूँ। और मैंने दिखाया ना कितना कोहरा है, आप बैग मतलब मेरे पीछे देख सकते हो कितना कोहरा है। तो यहाँ पर छवि बोल रही थी कि मम्मी मुझे कुछ लेना है, वो बिस्किट ही लेती है और कुछ नहीं लेती है। तो मैं बोल रही थी ठीक है जाओ लेके आओ, फिर चलती हूँ, फिर मैं इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर वही घर के कामों में लग जाती हूँ। वैसे तो मैं जो घर की क्लीनिंग है वो करके ही बच्चों को जाती हूँ छोड़ने। डेली सुबह मेरा क्लीनिंग हो जाता है, बच्चों का लंच तैयार कर देती हूँ, मैं नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। इतना काम हो जाता है जब मैं बच्चों को ले जाती हूँ उनके स्कूल छोड़ने। तो अभी छवि का स्कूल बस आने वाला है, थोड़ी देर में छवि अपने स्कूल में होगी और मैं अपने घर में अपना काम करते हुए फिर वही बच्चों का वेट करूंगी कि बच्चे आ जाए 2 बजे तक, फिर उनको लंच कराऊं। तो चलिए अभी छवि के स्कूल चलते हैं, उसे छोड़ने। छोड़ के आते हैं तो फिर सीधे किचन में चलते हैं। और अभी मैं छवि को छोड़ के आ गई हूँ, चाय मैंने पी लिया है क्योंकि ठंड काफ़ी थी, तो मैंने चाय पहले बनाया और पिया। और अभी मैं बथुआ के साग का जो दाल बनता है, मतलब बथुआ के साग वाला दाल हमारे यहाँ सकपैता बोला जाता है, तो उसके लिए मैंने चने का दाल, उड़द का दाल, तुअर का दाल ये सब ले लिया है। 2 मुट्ठी मैंने हरा मटर लिया है और बथुआ जो मैंने साफ करके कट कर लिया था वो मैंने लिया है। इसमें हल्दी, नमक और ज़्यादा मात्रा में हींग। हींग मुझे बहुत ही पसंद है तो इसलिए मेरे हर खाने में आप हींग देखोगे और ज़्यादा मात्रा में ही देखोगे। और क्वांटिटी के हिसाब से पानी डाल दिया है कि जितना मुझे चाहिए मेरे परिवार के लिए। लास्ट में मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाले हैं और फिर इसे मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, 2-3 सीटी आने तक के लिए छोड़ दूंगी। इधर गोभी जो है वो गोभी भी बॉयल हो रही है, तो अब बस मैं गोभी को भी उतार लूँगी और फिर इसे मैं फ्राई करूँगी। तभी देखिए फ्रेंड्स, गोभी मैंने निकाल लिया है, अच्छे से उसे फिर से वाश कर लिया है और फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ अलग बर्तन में, क्योंकि गोभी को मैं ना बहुत अच्छी तरीके से वाश करती हूँ, क्योंकि इस समय भी गोभी में जो है कीड़े मिल जाते हैं। तो साफ़ करने के बाद बॉयल करती हूँ, फिर उसके बाद उसे क्लीन करती हूँ, तब फिर मैं उसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। और सब्ज़ी के तड़के के लिए मैंने प्याज कट कर लिया है, 2 प्याज मैंने बड़े साइज़ का लिया है। और फिर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। यहाँ प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब मैं मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। जैसा कि मैंने हरा लहसुन लिया है, हरी मिर्च है, टमाटर है, अदरक है, इसका मैंने दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया था मिक्सी जार में और इसे मैंने डाल दिया है। अब हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक ये डाल देती हूँ और मसालों को मैं भूनूंगी अच्छी तरीके से, जब तक कि मसालों में से तेल जो है वो निकल ना जाए, तेल ना छोड़ दे। तो अभी मसाला मेरा भून रहा है, तब तक मैं इधर कर लेती हूँ सकपैता के तड़के की तैयारी, जिसके लिए मैंने जीरा, लहसुन, अदरक और सरसों से मैंने तड़का लगाया था। फिर प्याज मैंने भून लिया है, प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें टमाटर और थोड़ा सा मैंने हरी धनिया की पत्ती डाल के और इसे थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके छोड़ दिया है, ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। और इधर मसाला भून चुका है सब्जी का, तो मैंने इसमें आलू और मटर और अब सारे मसालों को अच्छी तरीके से आलू और मटर में मिक्स कर दूंगी और फिर इसे छोड़ दूंगी 10 मिनट भूनने के लिए। और चलिए दिखाती हूँ कि सकपैता का क्या कंडीशन है। तो अभी देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आया है और काफ़ी अच्छे से गल भी गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब मैं थोड़ा इसे मथनी से ना, जो मथनी आती है मथनी से मैंने थोड़ा सा इसे बस मथ लिया है, क्योंकि जो चना दाल होता है ना वो कितना भी सॉफ्ट हो जाएगा पर वो टूटता नहीं है, तो इसी की वजह से मैंने मथनी से मथा है इसे। और अभी देखिए कितना अच्छा जो है, मतलब साग भी मिक्स हो गया है, दाल भी मिक्स हो गई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गया है या नहीं। तो टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गया है। अब इसे मैं अच्छी तरीके से मतलब पूरा मिक्स कर दूंगी, टमाटर को कूच कूच के पूरा अच्छे से इसका एक जैसे मसाला होता है वैसा तैयार कर लूँगी। और अभी देखिए मसाला जो है रेडी है, तो मैंने इसमें दाल डाल दिया है और कलर देख सकते हो आप कितना खूबसूरत है, बहुत टेस्टी बना था। आप इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसा बना था दलपैता आपका, सॉरी दलपैता नहीं सकपैता। तभी देखिए बहुत अच्छी तरीके से जो है ये बन चुका है और अभी मैंने घी भी इसमें डाल दिया है, तो मैं डालते वक्त नहीं दिखा पाई आपको, तो इसलिए मैंने अभी आपको दिखाया है। और घी मैं ज़्यादा इसमें यूज़ करती हूँ, बच्चों को भी मेरे पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है,
तो इसलिए मैं घी का मात्रा ज़्यादा डालती हूँ दाल वगैरह में। यहाँ जो सब्जी है वो भी पक गई है, दाल जो है बॉयल हो गया है, तो दाल जो है बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसका गैस ऑफ कर देती हूँ और चटनी पीसने आ जाऊँगी। चटनी सिल्की ही पीसती हूँ, आपको पता है ठंडियों में सिल्की ही चटनी मेरे घर में सब लोग खाते हैं, मिक्सर की नहीं, तो मैं सिल से ही पीस लेती हूँ। चटनी भी रेडी है। अब जो सिलबट्टा है उसे मैं धो के उसकी जगह पे उसे रख दूँगी, क्योंकि जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो तुरंत उसे धुल के उसकी जगह पे रख देती हूँ। इससे घर जो है वो व्यवस्थित लगता है। अगर मैं उसे ऐसे इधर उधर छोड़ दूँगी तो घर भी अच्छा नहीं लगेगा और मेरा मन भी काम में नहीं लगेगा। थोड़े से बर्तन थे सिंक में, मैंने सोचा कि चलो इसे अभी धुल लेती हूँ और अभी जो है सब्जी आलू जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा तब मैं गोभी ऐड करूँगी। तो अभी देखिए आलू सॉफ्ट हो जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आलू सॉफ्ट हो गया है, अब मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। गोभी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मसालों को और दो चार मिनट रखूँगी और सब्जी जो है वो डन है। और यहाँ बर्तन भी मैंने क्लीन कर लिया है अच्छी तरीके से, अब मैं इसे स्टैंड में लगा दूँगी। वाइप कर लिया मैंने सिंक को अपने बिल्कुल क्लीन, किचन का काम करते करते मैं सिंक भी साफ़ करती रहती हूँ कि बर्तन ज़्यादा ना हो। बर्तन ज़्यादा हो जाता है तो माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा फोकस जो है वो बर्तन के ऊपर ही रहता है। हस्बैंड भी ब्रश करके आ गए हैं तो उनके लिए मैं चाय बना देती हूँ। हस्बैंड जो है वो लेट नाइट आते हैं तो मॉर्निंग में वो लेट से ही उठते हैं, जैसा कि वो 11 बजे तक उठते हैं, 10:30-11 ऐसे उठते हैं। तो इसलिए जब तक मेरा लंच तैयार होता है तो वो सो के उठते हैं, तो वही मैं अभी चाय बना रही हूँ। और चाय के साथ मैंने आटा भी लगा लिया है और रोटी बना दूँगी। रोटी बन जाएगी तो इनके साथ मैं गरम गरम चाय फिर से पी लूँगी, क्योंकि ठंडियों में चाय मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, नहीं अच्छा लगा है तो भी आप लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, पर हाँ हमें बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है एक लाइक आपका मिलता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली मेंबर में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। क्या लाई हो छवि? आलू टमाटर। आलू टमाटर, आलू और टमाटर सब ठीक है, वहाँ रख दो, भी छिलते हैं यहीं पे गेट के पास। ये क्या लाए देखे, ये क्या है, किसके लिए है ये? मेरे लिए, मेरे लिए है, देखते हैं कैसा है। ये देखिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रुपेश का जूता फट गया, वो दिखा रहा है। तो ये देखिए हस्बैंड को मिला है ये शायद स्वेटर, देखे सभी एक बार। वाह, डबल चमगादड़, सभी बोल रही है चमगादड़ है। ये देखिए, तो मैं बोल रही थी कि मैं पहनूंगी, तो ये बोल रहे थे कि ठीक है तुम ही ले लो। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी धूप आई है, इसलिए मैं धूप में ही बैठी हूँ। बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, मैं बता नहीं सकती आपसे कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। ठंडी तो पड़ ही रही है, ऊपर से हवा भी बहुत ज़्यादा है। क्या फेवर हो गई और खाली ठीक है, उसको देखिए तोड़ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड को मिला है, मुझे नहीं मिला है। पैन भी दिखाइए, देखते हैं पैन कैसा लग रहा है। यहाँ देखिए, उधर घूम जाइए, यहाँ पे दिखाते हैं कैमरे में आपको। तो मास्क तो तुमको दे के भेजे थे, ठीक है सैनिटाइजर ले जाना सीसी में। तो अभी पहन लेते हैं, देखिए उनको मिला है ये। वाह, अच्छा लग रहा है। क्या लिखा है वहाँ पे, क्या लिखा है वहाँ पे? ठीक है, फिट कॉलर सही करी कॉलर। वाह ठीक है, पहनिए। तो चलो तुम लोगों को खाना दे दूँ, फिर कुछ करती हूँ। तो प्लास्टिक उठा दो बच्चा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए प्लीज़। फुल नहीं कर सकते तो कम से कम 2-3 मिनट बिना स्किप किए हुए मेरा वीडियो वॉच किया करिए। फ्रेंड्स, बच्चों को मैं अभी तैयारी करा रही हूँ उन लोग के एग्ज़ाम का, और बच्चों का एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया है, यानी कि 20 दिसंबर से, दिन है सोमवार, उनका एग्ज़ाम शुरू हो गया है। 3-4 दिन चलेगा, 3-4 दिन एग्ज़ाम चलेगा, उसके बाद से फिर शायद स्कूल बंद हो जाएगा, क्योंकि छवि को स्कूल जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, छोटी है ना, इसलिए रुपेश का तो कोई दिक्कत नहीं है, पर छवि को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अभी मैं देखिए, बस
अभी बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई हूँ और डिनर मैंने बना लिया है। समय हो रहा है 7:30 हो रहा है, तो इस समय मैं थोड़ा जल्दी डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि अगर इन लोगों को केयर नहीं करूँगी तो ये पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम में क्या लाएंगे। मैंने अभी तक अपने वीडियो का एंड नहीं किया था, तो इसलिए सोचा कि चलो आज मैं एंड कर देती हूँ वीडियो का। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अभी बाय बाय फ्रेंड्स, क्योंकि मैं छवि रूपेश को पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आप लोग से बातें करूँगी तो मेरा फोकस ध्यान हट जाएगा। वो देखिए छवि, पूरा ध्यान उसका ना मेरी तरफ है कि मैं क्या बातें कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और ये पढ़ाई से इसका दिमाग जो है ना वो हट जाएगा। तो चलिए अभी बच्चों को पढ़ाती हूँ, अभी गुड नाइट फ्रेंड्स।